नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, फर्टिलिटी कंसल्टेंट इन नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी सिलीगुड़ी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वह है कि एक साइकिल आईवीएफ करने में कितना समय लगता है। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं, जो कपल्स बाहर से आते हैं, उन्हें उस हिसाब से छुट्टी लेनी पड़ती है। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि आईवीएफ साइकिल में सबसे पहले हम डे वन में इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, कुछ जांच करते हैं एंड फिर पीरियड के डे टू से इंजेक्शंस शुरू करते हैं स्टिमुलेशन के लिए। ये इंजेक्शंस अंडे बनाने के लिए दिए जाते हैं और ये अराउंड 10-12 डेज के लिए इंजेक्शंस दिया जाता है। सो करीब करीब एग्स मैच्योर हो जाते हैं अराउंड 12-13 डेज में, एंड एक बार एग्स एक फॉलिकल्स एक प्रॉपर साइज अटेन कर लेते हैं, उसके बाद हम उन्हें ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं। ट्रिगर इंजेक्शन देने के 35 आवर्स के बाद हम पिकअप करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली ये करस्पॉन्ड करता है अराउंड 14th डे ऑफ अवर मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो वंस वी डू द पिकअप के बाद हम एम्ब्रियो बनाना शुरू करते हैं। जिस दिन पिकअप होता है वो दिन एम्ब्रियो का डे ज़ीरो होता है। तो ईदर वी ट्रांसफ़र डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियोज, हम लोग प्लान करते हैं ईदर डे 3 या डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए। सपोज डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है तो अराउंड 17th डे ऑफ हर मेंसेस में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है, एंड सपोज डे 5 ट्रांसफ़र होता है तो अराउंड डे 19 में ट्रांसफ़र होता है। आफ्टर द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 14 डेज के लिए हम ल्यूटियल फेस सपोर्ट देते हैं, कुछ मेडिसिंस या इंजेक्शंस देते हैं, जिससे अगर उनकी प्रेगनेंसी आती है तो उसे सपोर्ट करती है, ये मेडिसिंस प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में मदद करती है। एंड करीब करीब 14 डेज के बाद हम बीटा एचसीजी टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं टू नो कि प्रेगनेंसी आई है कि नहीं आई है। सो हम लोग जब ट्रांसफ़र करते हैं 17th या 19th डे में, एंड उसके 14 डेज के बाद करीब करीब 33rd या 34th डे में प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। तो लगभग 1 month का टाइम लगता है एक फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल करने के लिए। अब सपोज हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हमारा स्टिमुलेशन प्रोसेस वही रहेगा, दैट इज़ फ्रॉम डे 2 ऑफ योर मेंसेस वी विल स्टार्ट योर स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन करीब करीब 12 डेज तक चलता है, उसके बाद 14th डे पिकअप होगा एंड उसके बाद आपका प्रोसेस वहाँ पे एम्ब्रियो बन के स्टॉप हो जाएगा। देन इन द नेक्स्ट साइकिल जब आपका डे 2 आता है तो हम एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन के लिए मेडिसिन शुरू करते हैं। एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन किस लिए किया जाता है, ताकि हम बच्चेदानी की परत बनाएं जिसमें जो भ्रूण हम ट्रांसफ़र करेंगे वो बैठ सके। तो ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन के लिए भी हमें करीब करीब 12-14 डेज में एंडोमेट्रियम तैयार हो जाता है, एंड जिस दिन एंडोमेट्रियम तैयार होता है उसके अराउंड 5 डेज के बाद हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो लगभग 19th डे में ट्रांसफ़र हो जाता है एंड उसके बाद 14 डेज तक हम मेडिसिन देते हैं फॉर ल्यूटियल फेस सपोर्ट, एंड आफ्टर 14 डेज प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। तो अगर हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र्स में जाते हैं तो फर्स्ट साइकिल का फर्स्ट 15 डेज स्टिमुलेशन के लिए है, एंड नेक्स्ट साइकिल का फर्स्ट 15 डेज एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन एंड नेक्स्ट 15 डेज फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट। सो करीब करीब 1.5 months आपको लगेगा अगर आप फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल्स में जाते हैं। तो अगर फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो विद इन 1 month आपका साइकिल कंप्लीट हो जाता है, एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर्स इट्स रफली अराउंड 1.5 months। एक बात जाननी ज़रूरी है कि आप पिकअप के बाद फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको नेक्स्ट साइकिल में ही कराना है। सपोज आपके पास टाइम नहीं है एंड यू वॉन्ट द ट्रांसफ़र कि मैं 2-3 साइकिल के बाद करवाऊँ तो वो भी पॉसिबल है। एक बार आपके एम्ब्रियोज तैयार हो जाए उसके बाद हम कितने महीनों बाद भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फर्स्ट 15 डेज फॉर पिकअप एंड द रेस्ट 1 month फॉर ट्रांसफ़र। थैंक यू।